बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने जॉइंस की जानकारी ली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में। इस सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं, बारी बारी से एक एक जॉइन को देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रैक्टिकली आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले टाइप इनर जॉइन के बारे में। इनर जॉइन का अर्थ है जब आप एक से अधिक टेबल्स का डेटा मिलाएं लेकिन उसमें लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स और राइट हैंड साइड का जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स, वही रिकॉर्ड्स सिखाए जाएं जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कॉमन हैं और किसी की पे बेस्ड हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखें तो कुछ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ लाइब्रेरी में देखें तो कुछ बुक्स हैं, तो इनमें वही रिकॉर्ड दिखाए जाएँ जिन स्टूडेंट्स ने बुक इशू करवा रखी हैं। तो इस तरह से दोनों रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएंगे। ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए वो स्टूडेंट जिन्होंने बुक इशू नहीं करवाया है उनका रिकॉर्ड ना दिखाया जाए और इसी तरह से उन बुक्स का रिकॉर्ड ना दिखाया जाए जिन्हें किसी ने इशू नहीं करवाया। तो हमें दोनों तरफ से वही रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे जो दोनों में कॉमन हैं, वही स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक इशू करवाया है और वही बुक्स जिनको किसी स्टूडेंट ने इशू करवाया है। तो इसके लिए हमने यहाँ नीचे की तरफ एक क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। इस क्वेरी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे करके भी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्वेरी एग्जैक्टली कार्य कैसे करती है। तो यदि इन दोनों टेबल्स का डेटा अगर मैं मिलाकर देखना चाहूं तो कुछ इस तरह का आउटपुट मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा नीचे दी गई इस क्वेरी के साथ। और यहां पे यदि मैं चाहता हूं कि आउटपुट मेरे पास आ जाए इस तरह से तो वो किस प्रकार से आएगा, यदि आप ऊपर देखें तो एक लेफ्ट टेबल मैंने प्रयोग किया है जिसका नाम स्टूडेंट है और राइट में एक टेबल प्रयोग किया है जिसका नाम लाइब्रेरी है। अगर मैं इन दोनों का डेटा देखूं और फील्ड्स की तरफ देखूं तो स्टूडेंट आईडी एक ऐसा फील्ड है जो इस टेबल में भी है, लेफ्ट में भी और एक राइट में भी। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास अलग अलग टेबल्स में एक ही नाम से फील्ड हो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, वो हमारे पास लेफ्ट टेबल में भी है और राइट टेबल में भी है। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करके पर्टिकुलर फील्ड को पर्टिकुलर टेबल से रेफरेंस कर सकते हैं। सपोज करें मुझे इस स्टूडेंट आईडी को देखना है तो क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी का प्रयोग करूंगा। और यहाँ पे अगर मुझे स्टूडेंट आईडी को देखना है क्योंकि टेबल का नाम मेरे पास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी डॉट स्टूडेंट आईडी का प्रयोग करूंगा। लेकिन किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम हर एक फील्ड के साथ डॉट का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए नीचे क्वेरी को देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, अर्थात इस वाले टेबल से स्टूडेंट आईडी, कॉमा स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, इस टेबल से स्टूडेंट का नाम, कॉमा लाइब्रेरी डॉट बुक नेम, इस टेबल से बुक का नाम और कॉमा लाइब्रेरी डॉट बुक इशू डेट, इस टेबल से बुक इशू डेट जो कि लाइब्रेरी टेबल से रिलेटेड है। ये क्वेरी हमने बनाई है अभी फ्रॉम। अब हमें फ्रॉम के पश्चात उन टेबल्स का नाम देना है जिन टेबल्स को हम इनर ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट इनर ज्वाइन लाइब्रेरी। तो यहाँ लेफ्ट में वो टेबल है जो लेफ्ट साइड हमने दिखाया है और राइट साइड वो टेबल है जो हमने राइट साइड दिखाया है। तो इस तरह से ऑन स्टूडेंट, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है वो हमें ऑन के पश्चात बताना है। ऑन स्टूडेंट आईडी डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू लाइब्रेरी डॉट स्टूडेंट आईडी, यानी कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट आईडी है और उसको हमने लास्ट लाइन में यहाँ डिफाइन किया है। अगर हम इस क्वेरी को पास करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है। लेकिन आइए इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास MySQL फाइल्स में इनर जॉइंस टेबल क्रिएशन के नाम से एक फाइल दी गई है। हालांकि यदि आप केवल टेबल बनाना चाहते हैं तो जॉइंस टेबल क्रिएशन को आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से फाइल बना दी है। लेकिन यहाँ पे इनर जॉइंस टेबल क्रिएशन की फाइल मैंने अलग से भी बनाई है। तो आइए सबसे पहले इन टेबल्स को कॉपी कर लेते हैं जिनको मुझे बनाना है विद रिकॉर्ड। तो फॉरन की तक मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है इसको और वापस MySQL सेक्शन में आकर पेस्ट करता हूं और गो कर देता हूं। मेरे पास ये टेबल बनके तैयार है। अगर मैं कॉलेज पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहां दो टेबल दिखाए जाएंगे, लाइब्रेरी मैं नई टैब में खोल लेता हूं और स्टूडेंट नई टैब में खोल लेता हूं। पुरानी टैब्स को यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। तो एक मेरे पास टेबल है स्टूडेंट जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है और एक टेबल है बुक्स का लाइब्रेरी के रूप में जिसमें हमारे पास बुक्स का डेटा है। स्टूडेंट में यदि आप देखें तो वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास डिफाइन किए गए हैं 5 रिकॉर्ड्स के रूप में और 10 जो बुक्स मैंने यहाँ डिफाइन की हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यदि आप देखें माउस लेके जाएं तो स्टूडेंट और जो लाइब्रेरी है ये दोनों आपस में
रिलेट किए हैं मैंने प्राइमरी की के द्वारा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों टेबल्स को सेटअप कर दिया है। आइए अब देखते हैं क्वेरी क्या है, एग्जैक्टली किस तरह से हम डेटा देख पाएंगे। मैं SQL पे आ जाता हूँ और यहाँ से फाइल खोल लेता हूँ। यदि आप नीचे की तरफ देखें तो दो क्वेरीज हैं, एक ऑर्डर आईडी के साथ है, एक विदाउट ऑर्डर आईडी है। लगभग आउटपुट एक जैसा रहने वाला है, बस ऑर्डर आईडी में फ़ायदा ही होने वाला है कि आपके पास जो रिकॉर्ड आएंगे वो ऑर्डर होके आएंगे, अदरवाइज सेम रिकॉर्ड आने वाले हैं। तो मैं ऑर्डर आईडी वाला ही प्रयोग कर लेता हूँ। अब यहाँ क्वेरी को समझते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम, लाइब्रेरी का बुक नेम और लाइब्रेरी का बुक इशू डेट। अब यहाँ पॉइंट के साथ यानी कि डॉट के साथ मैंने पर्टिकुलर कॉलम को रेफरेंस किया है। दोनों टेबल्स के यहाँ पे मैंने चार कॉलम रेफरेंस किए हैं, फ्रॉम स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ यदि मैं इसको सेटअप करूँ थोड़ा सा इनर जॉइन लाइब्रेरी, और यहाँ से मैं इसे नीचे ले जाता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए ताकि समझ आ जाए। तो ये जो लाइन है इनर जॉइन लाइब्रेरी, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टेबल जो है स्टूडेंट है और राइट टेबल जो है लाइब्रेरी है, और बीच में हम इनर जॉइन को सेटअप करने वाले हैं। अब ये सेटअप किस बेस पे होने वाला है, क्योंकि दोनों में एक फील्ड कॉमन है स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसके आधार पे हम इसे सेटअप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट का जो स्टूडेंट आईडी है अगर वो लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट आईडी के साथ मैच करता है तो फिर आपको रिकॉर्ड दिखाए जाएं। ऑर्डर बाय आप लगाते हैं तो उसका अर्थ केवल डेटा को ऑर्डर देने से है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गो कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों टेबल्स का जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो दिखाया गया है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने बुक इश्यू करवाई है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 5 हैं, लेकिन सभी का नाम यहाँ पे नहीं है क्योंकि सभी ने बुक इश्यू नहीं करवाई। तो उन स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने बुक इश्यू करवाई है, और साथ में उन बुक्स का नाम है जो इश्यू हुई हैं। और इसमें हमारे पास हालांकि ऐसी कोई बुक नहीं है जो इश्यू ना हुई हो, अभी तक वो सारी बुक्स हैं जो इशू हुई हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बुक हो जो इशू ना हुई हो तो वो यहाँ पे शामिल नहीं की जाएगी। तो इस तरह से इनर जॉइन के साथ हम आसानी से कॉमन डेटा को देख सकते हैं जो दो टेबल्स में किसी रिलेशनशिप के साथ सेटअप किए गए हैं। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की, किस प्रकार से हम लेफ्ट आउटर जॉइन का प्रयोग करने वाले हैं डेटा को सेटअप करने के लिए। धन्यवाद।